जीतन राम मांझी जी का ये अपना बयान हो सकता है, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के लिए भाजपा में स्टॉप का बिंदु लग चुका है। अब पुनः भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। जहां तक बात है, वो देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि राजद में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बैठ करके दोनों एक दूसरे को गाली पढ़ने का काम कर रहे हैं। उसको देख करके आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने ऐसा बयान दिया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में न भूतो न भविष्यति, अब न कभी ऐसा होगा और न आगे का भी कोई योजना है। इसलिए मुख्यमंत्री जी के लिए सदा के लिए दरवाजा बंद हो गया है। जिस व्यक्ति का बिहार के जनता ही नकार दिया है, उनके लिए भाजपा में कहां सा स्थान होगा, ये संभव नहीं है। देखिए मांझी जी ने क्या कहा ये मैंने तो नहीं सुना, लेकिन जिसको जहां जाना है जाए, उसको पूरी आजादी है। गठबंधन अटूट है ये जान लीजिए। नीतीश जी, तेजस्वी यादव जी, कांग्रेस पार्टी, वाम दल, ये अटूट गठबंधन है। बाकी एक दो जो हमारे सहयोगी हैं वो हमारे साथ हैं, जब तक वो रहेंगे हम उनका पूरा सम्मान करेंगे। उनका मन अगर कहीं डोल उल रहा है तो भाई अब इसमें हम रोक तो सकते नहीं किसी को, लोकतंत्र में सबको आजादी है, लेकिन हम मोल भाव का मौका किसी को नहीं देंगे। हम एक जिम्मेदार सरकार चलाएंगे, कांग्रेस इसके प्रति दृढ़ संकल्पित है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वो जीवन भर बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले हैं, इसलिए इस तरह के बयानों का कोई मायने मतलब नहीं है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के राजनीति के खतरनाक डिजाइन को पहचान लिया है, इसलिए अब समाजवादी सरकार बनी है और आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी मुक्त भारत बनाने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी श्री तेजस्वी यादव जी के साथ अभियान में लग गए हैं। बिहार प्रदेश के हित में और हमारी पार्टी के हित में हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी ने पहले ही फैसला ले लिया था और हमारा दल महागठबंधन में शामिल हो गया। महागठबंधन में 7 पार्टियां हैं, बड़ी मजबूती के साथ, न्याय के साथ, विकास के एजेंडे पर बिहार की सरकार चल रही है, बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, इस बाबत तो हमारे नेता ने ही पहले स्पष्ट कर दिया है। अरे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो साथ रहकर घटक दलों के पीठ में खंजर भोंकती है। यही कारण है कि देश के स्तर पर कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने को तैयार नहीं।